मैं रोशनदीन डार हूँ, चीफ हेड कर अनंतनाग। हमारा जो पिछले साल था, जो प्रोडक्शन फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में अगर आप पूछेंगे तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी पिछले साल, और मेवा भी बहुत क्वालिटी क्वालिटी वाला था। तो हमारा इसमें तकरीबन 31,000 हेक्टेयर बागों के अंदर ज़मीन है इस वक्त। तो 31,000 हेक्टेयर इस वक्त हमें बागों के अंदर ये इस वक्त ज़मीन है यहाँ पे। तो इसमें 20,000, तकरीबन 20,000 हेक्टेयर पर ड्राई फ्रेश फ्रूट उगता है, और 11,000 हेक्टेयर ड्राई फ्रूट जिसमें वालनट आलमंड वगैरह होता है। तो फ्रेश में तकरीबन यहाँ पे एप्पल पियर पीच प्लम एप्रिकॉट, ये जो कल्टीवेट होता है। हमारी जो स्कीम है इस वक्त, ये मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान, PMKSY स्मैम वगैरह, ये चार पांच स्कीमें इस वक्त सेंट्रल स्पॉन्सर्स से जो चल रही हैं, और स्टेट की कैपेक्स कैपेक्स बजट जो है वो स्कीमें इस वक्त जारी हैं। हमारे पास जो कैपेक्स बजट, स्टेट का कैपेक्स बजट है, तो उसमें इस वक्त तक हमने तकरीबन 87 लाख रुपए की सब्सिडी दी है मैकेनाइजेशन में। इसमें डिफरेंट कंपनीज जो हैं, ट्रैक्टर हैं, टेलर हैं, मोटर पावर स्प्रेयर हैं, ब्रश कटर हैं वगैरह वगैरह। तो जो पीएमडीपी है उसमें इस वक्त तक हम डिफरेंट कंपनीज में 76 लाख रुपए दिए हैं सब एज सब्सिडी, 50% सब्सिडी के हिसाब से। तो इसमें काफ़ी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, और बहुत से बेनिफिशरी इसमें कवर हुए हैं। तो अभी मिड में भी पैसा मिड में भी हम दे रहे हैं काफ़ी यही कंपोनेंट, तकरीबन टिलर ट्रैक्टर जो नए बाग लगाते हैं उसके लिए सब्सिडी देते हैं। और मेन जो है हमें PMDP में ये जो नए बाग हाई डेंसिटी के बाग लगाने, इस साल हमें यहाँ पे तकरीबन 150 हेक्टेयर कवर करने हैं हाई डेंसिटी में। तो इसमें भी काफ़ी काफ़ी लोगों की एप्लीकेशन आई हैं, उसकी हम फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, और उनको फिर अब काम भी तक कुछ एरिया में काम भी स्टार्ट हो गया है इंशाल्लाह। तो वो भी इस साल काफ़ी लोग इसमें इससे मुस्तफीद हो जाएंगे। जहाँ तक ये एप्लीकेशन देने का साल है, हमारे पास HOJ हैं, 10 जोन है हमारे, 10 HOs हैं हमारे फील्ड में। तो हर एक जोन में एक HO होता है। किसी जिम्मेदार को कोई भी कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए उसको चाहिए कि एक एप्लीकेशन फार्म जो हमने खुद बनाया है यहाँ पे, वो एप्लीकेशन फार्म देकर आए हार्टिकल डेवलपमेंट अफसर के पास, तो अपना नाम वगैरह उसमें भर दे, और ये बाग कितना है, इसमें कितने दरख्त हैं उसमें, तो वो एप्लीकेशन सारी वो इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन पर लिखेगा, तो वो हमारे HO के पास दे दे। और उसके पास हार्टिकल्चर पास बुक होती है, उसका एक फुटस्टेट देना होता है। तो वो HO के पास ये एप्लीकेशन आती है, तो वो स्पॉट विजिट करता है जहाँ जहाँ से वो ज़िम्मेदार ताल्लुक़ रखता है, जहाँ जहाँ का वो ज़िम्मेदार होता है, तो उसके वो वहाँ उसको चेक करता है, हाँ जी इसके पास इतना बाग है, तो इसको ये चीज़ चाहिए, तो वो फिर रिकमेंड करता है, वो हमारे पास आती है, वो एप्लीकेशन फिर हमारे पास आती है। हम यहाँ से सेक्शन देते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर किसी को मोटर पावर स्प्रेयर चाहिए, जब जब हमारे पास वो मोटर पावर स्प्रेयर का फार्म आता है HO से रिकमेंड होकर, हम उसको सेंक्शन देते हैं। हम उसको बोलते हैं आप ले जाओ सेंक्शन ले जाओ, और जहाँ भी मर्जी हो, जहाँ से मर्जी, जिस दुकानदार से और रजिस्टर्ड दुकानदार से, आप वहाँ से ले लो, बिल बिल HO के पास दे दो, वो रिकमेंड करके हमारे पास दे देंगे। तो हम उसके फिर वहाँ ये यहाँ पर बिल बनाते हैं, ट्रेजरी में भेजते हैं, उसके उसके खाते में वो उतना पैसा चला जाता है DBT के थ्रू। हम ऑनलाइन ऑनलाइन DBT के थ्रू होता है। मेरा नाम बुशरामन भट्ट है, मैं सागाम में रहता हूँ, और आज से पहले 8 साल मैंने डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर से नॉर्मल हाई डेंसिटी स्टार क्रिमजन ये मतलब एप्लीकेशन दी थी कि उन्होंने हमें ये प्लाट फराहम किया है,
और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आज मैं अपनी तरफ से सब लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि जिस तरह मैंने इसी हार्टिकल्चर के ज़रिए से जो मैंने बाग लगाया है, मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है, क्योंकि इससे पहले मैं हम इस ज़मीन को दान लगाया था, उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। मैंने सोचा कि अब इसको हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रुजू करो, तो रुजू मैंने किया हार्टिकल्चर जोन कोकरनाग की तरफ से, तो उन्होंने हमें ये मशवरा दिया कि आप इसमें नॉर्मल हाइडेंसिटी लगाओ बाग, तो इन्होंने 200 पेड़ हमें दिए हैं। आज अल्लाह का फजल है कि 500-600 पेटी इसमें उतरते हैं, जिसके वास्ते हम रोज़गार अपना कमाते हैं। और हम अपनी तरफ से बाकी नौजवानों को भी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप भी अपना रोज़गार कमाने के लिए नॉर्मल हाइडन सिटी या हाइडन सिटी हो, बागवानी की तरफ रुजू करके, खासकर जोन कोकरनाग की तरफ आप रुजू करके अपने लिए रोज़गार कमाएं। और डिपार्टमेंट ने हमने इस साल वर्मी कंपोस्ट को फराहम किया है, जिसमें ऑर्गेनिक खाद हमने बनाई है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है, और मोटर भी इन्होंने सब्सिडी पर दिया है। डेवलपमेंट के मतलब लिहाज से अगर हम कहेंगे तो हमने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है नर्सरी डेवलपमेंट और अल्ट्रा हाइडेंसी को। इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहला अल्ट्रा हाइडेंसी ऑर्चर्ड बना था पूरे कश्मीर में, वो बना था हमारे कोकरनाग में। उसके बाद वहाँ पे ग्रेजुअली लोग जो है उसी तरह अट्रैक्ट हो गए, और इस टाइम मेरे पास कम से कम 10-15 एप्लीकेशन हैं जो लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं इसमें कि वो अल्ट्रा हाइडेंसी कन्वर्ट करें। और कोकरनाग का जो हमारा वहाँ का क्लाइमेट है वो हमारे एप्पल अल्ट्रा हाइडेंसिटी के लिए बिल्कुल मुफीद है। और हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें पहले लैंड का जो फीसिबिलिटी है वो देखते हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो 50% में सब्सिडी देती है। मान लीजिए अगर पर हेक्टेयर हमको 36 लाख का बजट आता है उसमें एज, तो 50% उसमें गवर्नमेंट देती है एंड 50% इज शेयर्ड बाय द बेनिफिशियरी हिमसेल्फ। 2021-22 में हमने जो केसेस फॉरवर्ड किए हैं कम से कम हमने फॉरवर्ड किए हैं, और पाइपलाइन में और कुछ भी और मतलब जिनकी भी फॉर्मेलिटी जैसे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं इसमें, तो मेरे ख्याल में इसका कोई स्कोप मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जितना आपके पास मतलब लोग आएंगे, डोंट स्टॉप एनी फाइल, और हमारे पास टारगेट इतने ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल में टारगेट मतलब हमारे पास लोग कम आएंगे, टारगेट ज़्यादा है। इसलिए हमारे पास ज़्यादातर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, उसमें हमारा कैपेक्स आता है, उसमें हमारा मिड आता है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसमें हमारा ये क्या कहते हैं इसको पर प्रधानमंत्री डेवलपमेंटल प्लान आता है, तो उसमें हमारा हम सबसे पहले जो देते हैं पावर स्प्रेयर, यानी वो अगर मार्केट में 32,000 का आता है उसमें हम 10,000 रुपये की सब्सिडी देते हैं। और जो हमारे पावर वीडर्स ट्रैक्टर्स हैं उसमें 50% सब्सिडी देते हैं, लेकिन ट्रैक्टर्स में हम लोग 1 लाख देते हैं, लेकिन पावर वीडर्स जो है उसमें 50% सब्सिडी देते हैं। अभी तक जो हमारे पास टारगेट्स हैं कैपेक्स और इसमें क्या PMDP में, हमारे पास टाइम 16 वीडर्स आए हैं और 40 हमारे पास पावर स्प्रेयर्स आए हैं, और हमारे पास जो एप्लीकेशन हैं दे आर इन मे आई थिंक हंड्रेड्स। तो हमने अभी तक 40 हमने आइडेंटिफाई किया पावर स्प्रेयर्स के लिए, और 16 हमारे पास अभी हैं आए हैं पावर वीडर्स दो स्कीम में, और मतलब ये अभी शुरुआत है। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा टारगेट्स अभी आने बाकी हैं।
مے ناو عبدالغنی ڈار بہ روزان بندو کۄکر ناگ اہس اس یت ٹریڈشنل باغ اس تقریباً ٹور پانچ کنال زمین تو یت اس نس برابر دیوان کہین ٹریڈشنل باغس یت اس یت اس روپیس دہ تر ساس بچان ٹوٹل ورس ین پہ پت و ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ آو یمو ون اس دوپک تھی بنو یہ ہائیڈن سٹی باغ بنو تر مز یو تھی اصل فائدہ پتہ کور اس ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس سی رجوع تو پتہ دیت یمو یہ ہائیڈن سٹی اٹالین تو بنو اس یہ باغ اس دیت یم باغن دیت اس دوئی وری فصل تو الحمد للہ یت درائے دوئی وری درائے یت تر ٹور ہاتھ ڈبہ تو اس آو اصل فائدہ یم سی بیس دیت یہ بور ویل تہ تو تم سی گئی آبچ تنگی اس تھوڑا بہت یت سہ گئی دور تو بہ باقی زمیندار بائن یم زن ٹریڈشنل باغ تم تس گزارش کر کہ تم یعن برو کن تم گھن ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس تم کر ڈپارٹمنٹس ست رجوع تم ہن یہ ورائٹی نو ورائٹی اٹالین یس زن یہ سا یہ ہائیڈن سٹی ون یہ ہن بنائت یہ ارلی فصل دان دوئی تری وری فصل سٹارٹ کر بیس یہ سا یہ محنت تہ کم دوا تیت کم لگان تو رٹرن تھی اصل دیوان ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یت مز اگر پان بنائے انسان تو کنالس دیوان مے ٹور کنال یت دیتک مے اک لچھ وہ ساس روپیے سبسڈی باقی لوگ مے پن 50% ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یت سبسڈی دیوان بیس مے نش یہ سا یہ وچان بیمار مہ چھس کان یہ سا یہ اک پرابلم مہ چھ یم چھ تتھ پیٹھ یہ سا یہ مشورہ دیوان دپان یہ دوا کریو باقی چیز وانا نظرا گزرا چھ دیوان ان پڑھے لکھے بہرحال جوانوں کے لیے یہی مشورہ دیں گے کہ اگر ان کے ساتھ ان کے پاس زمین ہے تھوڑی بھی زمین ہو دو چار کنال ہی زمین ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان کو گائیڈ کریں گے تو ہم ان کو ڈفرینٹ سکیمیں بتائیں گے اور بتاتے بھی ہم فیلڈ میں بتاتے بھی ہیں کہ کسی کے پاس اگر زمین ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان کو مشورہ دیں گے صحیح مشورہ دیں گے اور ان کو باغ لگوائیں گے ہائی ڈینسٹی باغ لگوائیں گے ان کو تو ان سے ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو ہمارا مشورہ ان کو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہمارے فیلڈ افسر کے ساتھ جڑے تو ہمارا وہ جو ہم سے مشورہ لے لے تو ہم ان کو ان کی وہ ہم کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔